ओम शांति। आज हम सब की विशेष आदरणीय दीदी जी के निमित्त भोग लेकर वतन में जाना हुआ। जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में अलग अलग प्रकार की बहुत सुंदर लाइट की डेकोरेशन थी और इतना सुंदर प्यारा दृश्य दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तो मैं देख ही रही थी, जैसे कि ब्राह्मण जीवन का संपूर्ण स्वरूप, फरिश्ता रूप और अव्यक्त स्टेज का रूप और भविष्य विश्व महाराजा महारानी के स्वरूप के दर्शन दिखाई दे रहे थे, दृश्य दिखाई दे रहे थे। लेकिन बाबा और दीदी दिखाई नहीं दिए, तो कुछ सेकेंड मैं याद ही करती हूँ कि बाबा कहाँ है, तो दूर से देखती हूँ कि बाबा और दीदी, दीदी ने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है। दोनों ही दूर से जैसे सूक्ष्म वतन से लाइट के बीच में से आ रहे थे और बाबा ने आते कहा, बच्चे बाप के पास तो सब बच्चों का दीदी के निमित्त याद प्यार पहुंच गया है। मैंने कहा, बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा ने कहा, दीदी से पूछो। तो वो मुस्कुराती रही। बाबा ने कहा, मालूम है आज बच्ची को सैर कराने ले गए थे। बाबा ने कहा, मालूम है ये बच्ची ने सबसे ज़्यादा सैर कहाँ करती है? तो मैंने कहा, बाबा मधुबन में। तो बाबा मुस्कराने लगे। दीदी ने कहा, देखो मैं बीच बीच में कभी अकेले मधुबन में चक्कर लगाती हूँ और कभी कभी बाबा मुझे अपने साथ ले आते हैं और कभी मम्मा और कभी एडवांस पार्टी के साथ मधुबन और देश विदेश के सभी सेंटर्स पर बाबा चक्कर भी लगवाते हैं। बच्चों का पुरुषार्थ, बच्चों की लगन और सेवा के जो तरीके नए नए अपनाए हैं बाबा, वो भी दिखाते और समाचार सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा, देखा ये बच्ची बार बार मधुबन में यारा चक्कर क्यों लगाती हैं, बच्ची क्यों? तो मैंने भी मुस्करा रही थी। तो बाबा ने कहा कि ये मधुबन है बीच, तपस्या का स्थान, तो बच्ची यहाँ यारा चक्कर लगा करके इस स्थान द्वारा विश्व के अंदर एक लाइट हाउस और माइट हाउस के वाइब्रेशन फैलाने में पूर्ण सहयोग देती हैं। और जो बच्चे बीच बीच में आलस से सुस्ती हल्कापन आ जाता है, उनके अंदर फिर से बल भर करके उनको आगे बढ़ाती हैं। फिर बाबा ने कहा, विश्व के अंदर बच्ची एडवांस पार्टी के साथ सारा कार्य किस तरह से चल रहा है उस कार्य को भी देखते हैं और एडवांस पार्टी मिल करके जो इस विश्व को परिवर्तन करने के सूक्ष्म तरीके हैं, बाहरी तरीकों को तो साइंटिस्ट दुनिया वाले सब कर रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म तरीके हैं साइलेंस और नई चीज़, नई इन्वेंशन करने का कार्य दीदी, एडवांस पार्टी सब मिलकर के करते हैं। तो फिर दीदी मुस्करा रही थी।
तो दीदी ने एक ऐसे करते हुए एक सामने हॉल देखती हूँ, उस हॉल के अंदर दीदी के भिन्न भिन्न जो सेवा, जो प्यार, जो बाप के साथ के लगन के एक्टिविटीज़ थे, वो चारों तरफ ही दिखाई दे रहे हैं। कभी दीदी छोटा बच्चा बन करके बाबा की गोदी में, कभी बाबा को श्री कृष्ण के रूप में अपने पास ले रही है, कभी वो तपस्या रूप दिखाई दे रहा है, और कभी दृष्टि के द्वारा दीदी का वो रूप दिखाई देता था। दृष्टि से जैसे सृष्टि बदलनी है, ऐसे कई परिवर्तन जो सुंदर सुंदर दृश्य सामने दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, ये भी बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल है, त्याग, तपस्या और अंदर की जो शक्ति है वो, और दृष्टि के द्वारा परिवर्तन करने का कार्य जो इस बच्ची ने किया है, करके दिखाया है, तो इसके द्वारा भी कईयों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। फिर दीदी कहती, बाबा सब बच्चों को बुलाओ ना। तो जैसे बाबा ने क्या किया, सबको बुलाया, एक तरफ बाबा, दीदी और मम्मा, बीच में दीदी, एक तरफ बाबा और एक तरफ मम्मा, और एक साइड में सब एडवांस पार्टी के दादी और अन्य दादियाँ, और एक तरफ सभी ब्राह्मण वहाँ थे। तो फिर सामने क्या दिखाया कि एक छोटी सी पहाड़ी है, और पहाड़ी के ऊपर एक इतना सुंदर महल बना हुआ था। तो बाबा मुस्करा रहे थे, यहाँ पर कौन जाएगा, सब सोचे हम पहले इस महल पे पहुँचे। तो एडवांस पार्टी वाले तो दृश्य देख ही रहे थे, तो बाबा ने कहा, दीदी ने कहा, पहले ये सब बच्चे जाएं। जैसे कहा, उन बच्चों को जाने के लिए उसमें चढ़ने के लिए तीन रास्ते थे। एक रास्ता था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, और दूसरा रास्ता इतना सुंदर था, उसके साथ रस्सियाँ बंधी हुई थी, वो गोल्डन रस्सियाँ थी, और तीसरा रास्ता ऐसा था जो बड़ा सिंपल सा दिखाई दे रहा था। तो कईयों ने क्या किया, जो बहुत सुंदर सजा हुआ रास्ता था उसकी ओर चढ़ने लगे, लेकिन चढ़ नहीं सके, और दूसरे कई तो बच्चे दूसरे रास्ते की तरफ चलने लगे, जो गोल्डन रस्सियाँ थी उसको पकड़ते थे, रस्सी एक तो उनके हाथ से छूट जाती थी, और तीसरा रास्ता जो था बहुत सिंपल था, लेकिन वो जैसे उस रास्ते की ओर जाते थे, उस रास्ते में इतना पावरफुल एक लाइट थी, और वो लाइट जैसे कदम रखे वो लाइट ऐसे चमकती थी, लेकिन वो लाइट के आधार से लिफ्ट का काम करते थे। तो बाबा भी देख रहे थे, दीदी भी हंस रही थी, और एडवांस पार्टी वाले मुस्करा रहे थे। तो दीदी कहती, बाबा अभी घर चलने का समय है, ये क्या कर रहे हैं अभी तक? बाबा ने कहा, देखा क्या कर रहे हैं? कहा, देखो कुछ अभी भी ऐसे बच्चे हैं, सब कुछ करते हुए बाहरी प्रभाव अट्रैक्शन की तरफ उनका ध्यान जाता, कोई ना कोई बातों में अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, तो जो मंजिल पर पहुंचना है वहां पर पहुंचने के लिए कदम रखा है, लेकिन डाइवर्शन में कभी इधर कभी उधर हो जाते। और दूसरा, फिर बाबा ने कहा, दूसरे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कई प्रकार के सूक्ष्म शुभ भावना तो है, लेकिन शुभ भावना को ऐसी कामनाओं में परिवर्तित किया हुआ है जो कि गोल्डन रस्सियाँ उनको बीच बीच में बांध देती हैं या अपनी तरफ खींचती हैं, मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी भी कई बच्चे गोल्डन रस्सियाँ, और कई बच्चे अभी तक भी जो बाहरी माया के सुंदर प्रभाव की जो रस्सियाँ हैं वो भी उनको अपनी तरफ खींच करके ऐसा उनको झूले में, चक्कर में डालती हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता कि कहाँ पहुँचना है, कहाँ हमारा रास्ता, और कहाँ उनको लैंड करना है।
तो वो भी चक्कर में घूमते रहते हैं। फिर तीसरी बात जो दिखाया बाबा ने कि जहाँ एक बल्ब जल रहा था वो था, बाबा ने कहा, स्वस्थिति का। और स्वस्थिति के बल्ब के पास में एक और लिखा हुआ था कि अशरीरी भव, और साथ में लिखा हुआ था सोमान। तो बाबा कह रहे थे कि एक तो स्वस्थिति का पावरफुल अभ्यास, दूसरा अशरीरी भाव का अभ्यास, तीसरा सोमान की स्थिति में रहेंगे तो ये जो स्थिति है वो लिफ्ट का काम करेगी। तो फिर दीदी बाबा को कहती, बाबा अभी तक सब बैठे हुए हैं, कब चलेंगे घर? बाबा ने कहा, बच्चों की फेवर ली, बाबा ने कहा बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो दीदी कहती, बाबा ये कब तक करेंगे? तो बाबा ने कहा, बच्चे तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन जब बच्चे आप जैसी आंतरिक स्थिति को पावरफुल बना करके और अंदर से विधेय स्थिति का अभ्यास करते रहेंगे तो वो स्थिति भी इनके सामने आएगी। फिर तो जैसे दीदी बाबा और दादियों को, एडवांस पार्टी वालों को लेकर बहुत खुशी में झूम रही थी। और फिर मैंने कहा, दीदी आज तो मधुबन वालों ने बहुत याद दी हैं, और सब जो इस समय वर्तमान सेवा पर हमारी दादियाँ, वरिष्ठ भाई, दीदियाँ सब ने, और ख़ास करके टीचर्स बहनें भी आई हैं। तो बाबा ने सबको इमर्ज किया और दीदी उनको दृष्टि दे रही थी। दृष्टि देते हुए हर एक के पास एक बहुत गोल्डन सा स्टार पहुंचा, और वो स्टार के ऊपर लिखा हुआ था, जैसे वो स्टार पहुंचता था वो स्टार की लाइट चमक रही थी, उस स्टार के ऊपर लिखा हुआ था, बाप समान निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति को बनाए। फिर दूसरी तरफ दीदी कहती है, बाबा इन बच्चों को केवल एक बात सिखा दो, अभी भी बच्चे दूसरों के बारे में बहुत सोचते, अपने बारे में कम सोचते हैं, सोचेंगे अपने बारे में कभी ऊंचा कभी नीचा, लेकिन दूसरों के बारे में जो ज़्यादा सोच है वो अवस्था के सामने एक बहुत बड़ा, जैसे कि बाधा कहें या पर्दा आ जाता है, तो उस पर्दे के कारण वो अपने आप को और अपनी स्थिति ऊंची होते हुए भी उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते। तो दीदी बार बार ये कह रही थी, अब समय नहीं है दूसरों के बारे में सोचने का, स्वस्थिति और सेवा में भी विस्तार के बजाय सार, बीज रूप को प्रत्यक्ष करो। सेवा में भी बहुत विस्तार को ले रहे हैं लेकिन उसमें बीज को प्रत्यक्ष करना है तो ये कार्य जल्दी संपन्न होगा। फिर तो दीदी के सामने भोग रखा था, तो बाबा जैसे भोग का कवर हटाने लगे तो जैसे दीदी की आदत थी शुरू से, दीदी ने खुद हटाया और हटा करके बाबा ने दीदी के भोग स्वीकार कराया, दीदी ने बाबा को, फिर एडवांस पार्टी वाले सबको खिलाया। तो एडवांस पार्टी को देख के कहती, देखो ना अभी बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। उनको भी ऐसे कह रही थी, बस कार्य हो ही रहा है, हो ही जाएगा। फिर दीदी ने सबको ऐसे मुख में भोग स्वीकार कराया और सबको याद दिया, बोला स्वचिंतन, दूसरों के बारे में सोचना भी, उसको फुल स्टॉप, और सेवा में भी सार में रहें, विस्तार को कम करें। तो सबको याद दिया ओम शांति।